स्पोरेंजियम। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका जो है वो स्पोर मदर सेल का कार्य कर रही है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के पश्चात ये जो है ये यहाँ पे क्या बनाएगी, अब मियो की जगह हम इसको क्या बोल देंगे, माइटोजूस्पोर्स। दीज आर माइटोजूस्पोर्स। और इसकी अगर अपन शेप की बात करें तो ये हल्की सी चेंज बीन शेप या किडनी शेप के फ्लैजिलाज यहां पे देखने को मिलते हैं। एक विप्लैश और एक टेंसिल। ठीक है, देयर आर जूस्पोर्स, बस इतना सा। तो सेम वही मैकेनिज्म है लेकिन यहाँ पे संरचना जो है बदल गई। उसमें पूरे में प्रकोष्ठ एक ही था और इसमें प्रकोष्ठ कितने हो गए, अनेक, जिनकी वजह से ये डेवलप हो रही है। दीज आर माइटोजूस्पोर्स। और ये माइटोजूस्पोर्स की हम बात करें तो ये माइटोजूस्पोर्स कैसे हैं, 2N, और इनका जर्मिनेशन भी सेम वही, तैरते तैरते जाएंगे, थककर एक स्थान पर चिपक जाएंगे, संलग्न अवस्था में फ्लैजिलाज ड्रॉप हो जाते हैं, गोल संरचना हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन में अपने जर्म ट्यूब्स द्वारा ये नया प्रोस्टेट फ्लामेंट डेवलप करते हैं, जिससे इरेक्ट फ्लामेंट और राइजोइड्स की क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। और इस तरीके से अलैंगिक जनन में दो प्रकार के थैलस बनाते हैं, एक पहले वाले ने बना दिया हैप्लोइड थैलस या गैमेटोफाइट थैलस, और ये डेवलप करते हैं स्पोरोफाइट थैलस पेरेंट्स के समान। इस चीज को हम लाइफ साइकिल में बहुत काम की चीज है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप क्या याद रखने वाले हैं, आप याद रखने वाले हैं कि जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है वो बनाती है हैप्लोइड, क्योंकि उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जो प्लूरीलोक्युलर है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से उसके जो जूस्पोर्स हैं वो कैसे बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं पेरेंट्स के समान। अब यहीं पे एक चीज़ और यह है जो आपको याद रखनी है और वो काम आएगी, और वो ये है कि ये ही प्लूरीलोक्युलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आएगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हैप्लॉइड थैलस है उस पर प्लूरीलोक्युलर बनेगी, लेकिन बनने का तरीका तो सेम है, बनने का तरीका तो सेम है, लेकिन वहां पे अब अर्धसूत्री की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हैप्लॉइड सेल्स है। क्लियर है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज है यहां पे। ये जो प्लूरीलोक्युलर है ये किस पे बनी है, डिप्लॉइड पे, तो इसके अंदर संरचना भी कैसी बन रही है, डिप्लॉइड। उसी प्रकार से जब ये हैप्लॉइड प्लांट पे बनेगी या गैमेटोफाइट पे बनेगी तो वहां पे संरचना भी कैसी बनेगी, हैप्लॉइड ही बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों संरचनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अलैंगिक जनन के अंदर। अब हम चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन की हम बात करें तो लैंगिक जनन में क्या होने वाला है, अलैंगिक जनन किस पे होता, 2N पे, और ये किस पे होगा, N पे, हैप्लॉइड्स। जो गैमेटोफाइट पादप है वो लैंगिक जनन शो करता है, और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन जो है वो शो करता है। तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमारा है तीसरा पॉइंट, और उसके अंदर बनती है एक ही प्रकार की, वो है प्लूरीलोक्युलर। प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजियम। अब यहां पे स्पोरेंजियम की जगह हम क्या नाम दे देंगे, गैमिटेंजियम, युग्मक धानी। और ये हो गया बहु प्रकोष्ठ, बस ये ध्यान रखना है। तो वहां हम नाम दे रहे थे इसको बीजाणुधानी स्पोरेंजिया, और यहां पे हम नाम दे रहे हैं इसको युग्मकधानी गैमेटेंजिया।
ठीक है। निर्माण की हम बात करें तो प्लूरिलोक्यूलर के लिए हैप्लोइड पेरेंट थैलस, ठीक है। और अब ये पेरेंट थैलस की भी अगर अपन बात करें तो ये पेरेंट थैलस भी कैसे हो गए, टू स्ट्रेन्स, क्योंकि इनका विकास किससे हुआ था, यूनिलोक्यूलर से बने हुए जो पियर शेप के जो चल बीजाणु थे उनसे। तो जब वहां अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो हम मान सकते हैं कि आधे उसके अंदर होंगे प्लस प्रभेद के और आधे होंगे उसमें माइनस प्रभेद के, जिस वजह से प्लस प्रभेद के क्या बोलते हैं जूस्पोर विकसित हुआ होगा, तो उससे डेवलप हुआ होगा एक तरीके से जो थैलस है वो भी कैसा होगा, प्लस, और जो माइनस वाला है उससे थैलस भी कैसा हुआ होगा, माइनस। तो ये दो प्रकार की संरचनाएं हमको यहां पे देखने को मिली। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग। तो यहां पे हम पेरेंट्स का नाम कैसा देंगे, दीज आर नोन एज डायोइसियस, एक लिंगा श्रेयी, अर्थात पाद दोनों दोनों सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम यहां बात करें तो एक्चुअली में इनमें कोई सेक्स ऑर्गन्स बन नहीं रहा है, केवल प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया ही बन रही है। तो ऐसे में दो अलग अलग थैलस की स्पोरेंजिया जो बनती है उनमें डेवलप होने वाले जूस्पोर्स या गैमिट्स जो है उनके बीच में यहां पर क्या होगा, फ्यूजन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तक हम जो पढ़ते आए थे उसके अंदर हमने यहाँ पे विशेष ऑर्गन्स को डेवलप किया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इससे पूछे हमने वाइवजेरिया पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमारे पास में एंथ्रीडियम और उगोनियम डेवलप हुआ था, तो एग और एंथोजॉइड्स डेवलप हुए थे। यहाँ पे हम एंथोजॉइड्स जैसी संरचना को नहीं देख पा रहे हैं। तो हैप्लोइड पेरेंट्स है जो कि डायोसियस है, दोनों अलग अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, मेल प्लांट पे मेल और फीमेल पे फीमेल, सेम ही प्रोसेस के साथ में डेवलप होता है स्पोर या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया की जगह अब हम क्या नाम दे देंगे, गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया इनिशियल सेल लेटरल ब्रांच, ठीक है। और वो कोशिका जो है वो वापस कौन सा, माइटोसिस, नॉट अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, पूरा का पूरा एक फिलामेंट में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फिलामेंट बना दिया, अब इस फिलामेंट के ऊपर पहले तो हुआ था ट्रांसवर्स विभाजन, अब होगा लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य से लंबाई भी बढ़ रही है और पार्श्व शाखाएं भी बढ़ रही हैं लगातार। तो लगभग 5-6-7 संरचनाओं के ऊपर लगभग 20-40 कोशिकाएं बढ़ रही है। तो ये एक दीर्घित, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड भी है, पियर शेप तो नहीं कह सकते, गुमदाकार कह सकते हैं या बेलनाकार संरचना के रूप में जो है वो पूरी की पूरी संरचना डेवलप हो जाती है। और ये संरचना क्या कहलाती है, प्लूरिलोक्यूलर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोशिका पट द्वारा या कोशिका भित्ति द्वारा सेपरेट है और इसकी सभी कोशिकाएं जो है वो हमें घनाकार रूप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर मदर सेल्स है ये सारी की सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड्स, जबकि पहले कैसी थी, डिप्लॉइड्स। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस प्रत्येक कोशिका जो है वो यहाँ पे माइटोजूस्पोर, तो माइटोजूस्पोर ही कह सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि जूस्पोर ही बनेंगे चल भी जाणु। यहाँ पे हम जैसे एंथ्रीडियम तो बात कर नहीं सकते, ठीक है। और जब ये पूरी परिपक्व हो जाएगी तो इसके विमोचन की हम बात करें तो स्फुटन की या डाइजेशन की, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके सीड्स पे या पार्श्व जो भाग है उनके ऊपर जिलेटिनीकरण, जिसकी वजह से इनके अंदर सिल्ट बन जाती है या छिद्र बन जाता है, और इसमें से ये एक एक करके जो हैं वो माइटोजूस्पोर्स के आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली, अब तक तो हम बात कर रहे थे जर्मिनेशन की, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन हमारा दो प्रकार से हो गया, समझना मेरी बात को, कैसे,
मैंने कहा ये वाला जो प्लांट है ये कैसा है, फीमेल या माइनस स्ट्रेन। एक यहां पे प्लांट है जिसके ऊपर भी डेवलप हुई है, ठीक है, और ये जो प्लांट है दैट इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट में भी हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव स्ट्रेन। ये दोनों ही नाम हम दे देते हैं, इसको फीमेल गैमेटोफाइट कह दिया, उसको मेल गैमेटोफाइट कह दिया। इनसे भी क्या बनते हैं, माइटोजूस्पोर, वो भी वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक ही प्लांट थैलस की क्या बन रही थी, यूनिलोक्यूलर, उस यूनिलोक्यूलर के अंदर क्या हुआ था, उसमें क्या हो रहा है यूनिलोक्यूलर में, उसमें जो स्पोरेंजिया बनी थी उसी के दो प्रभेद थे प्लस और माइनस, उसी प्रभेदों से यहां पे एक फीमेल बन गया एक मेल बन गया और इनमें बन गई प्लूरीलोक्यूलर। इनसे जो माइटोजूस्पोर बन रहे हैं वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो समझना इनकी एक तरीके से दादी जो है वो एक हो गई, मतलब ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक। और ऐसे कंडीशन के अंदर जब ये यहां पे ग्रैंड सन्स जो फ्यूज कर रहे हैं वो यहां पे क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली या जेनेटिकली जो है वो वेरिएशंस ला सकते हैं, लेकिन फिजिकली कैसे होंगे या मॉर्फोलॉजी कैसे होंगे, सेम। आकारिकी रूप में कैसे होंगे, सेम। और उनकी हो सकता है फिजियोलॉजी और उनका जो जेनेटिक्स है वो दोनों का अलग अलग हो, क्योंकि दोनों का स्ट्रेन प्लस और माइनस हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि मान लीजिए किसी एक ही यूनिलोक्यूलर से डेवलप हुए हुए मियोस्पोर्स, वो मियोजूस्पोर्स, वो मियोजूस्पोर्स डेवलप हुए थे जिनसे एक फीमेल और एक मेल गैमेटोफाइट बना, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल के ऊपर प्लूरीलोक्यूलर बना, उनसे जूस्पोर्स डेवलप हुए और वो दोनों जूस्पोर्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादा दादी वो दोनों के सेम है, और दोनों में अगर अपन फ्यूज कर रहे हैं तो उनकी जेनेटिक्स थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन उनकी आकारिकी क्या होगी, सेम। एक चीज क्लियर है, दो बार समझा दिया, अब आगे बढ़िए। यहां पे यूनिलोक्यूलर है किसी दूसरे पादप का और किसी दूसरे पादप की यूनिलोक्यूलर से डेवलप हुए थे मियोजूस्पोर्स, उन्होंने अलग अलग जो है गैमेटोफाइट पादप डेवलप किए, तो इसके पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स अलग थे, इसके ग्रांड पेरेंट्स अलग हैं, ऐसे में इसके माइटोजूस्पोर्स और इसके माइटोजूस्पोर्स जब यहाँ पे जुड़ेंगे तो वो फिजिकली भी एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्टेंट होंगे, अलग होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, तो ये हटा देता हूँ, तो इसको समझना। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं सिलिकुलोसस का, एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस, SILICULOSUS, सिलिकुलोसस की अगर हम बात करें तो सिलिकुलोसस जो है वो काइक असंयुग्मकता दिखाता है, मतलब काइक का मतलब होता है फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया दूरस्थ, या अगर अपन बात करें तो इम आइसो, मतलब क्या बोलते हैं, इनसिमेट्री, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, प्लस हम कह सकते हैं जेनेटिकली, तो जेनेटिक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जेनेटिक्स तो हमको भी पता है कि जब मेल और फीमेल जुड़ेगी तो दोनों की जेनेटिक्स एक दूसरे से क्या रहेगी, सदैव अलग ही रहेगी। तो ये फिजिकली तो कैसे थे, डिस्टिंक्ट, और फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट को हम यहां पे लिख देते हैं एक तरीके से हिटेरो गैमस। वहीं एक स्पीसीज हम यूज में ले रहे हैं वो है सेकेंड्स,
एक्टोकार्पस सेकेंड्स, SECAN सेकेंड्स, DUS सेकेंड्स की अगर अपन बात करें तो इनमें फिजियोलॉजिकली तो समानता है लेकिन फिजिकली असमानता होती है। फिजिकली क्या है, हिटेरो या एन आइसो। मतलब समझना, ये स्पीसीज कार्यकी रूप से दूरस्थ है, कार्यकी या क्रियात्मक, कार्यकी लिख देते हैं, कार्यकी ज्यादा ठीक रहेगा क्रियात्मक के रूप में। कार्यकी फिजियोलॉजी, ठीक है, और फिजिकली की हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली दैट इज आकारिकी। आकारिकी, आकारिकी में मॉर्फोलॉजिकली, एक दूसरे से कैसे हैं, हिटेरो। तो ये दो चीजें यहां पे देखने को मिल रही है। तो यही कारण था कि हम यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो नाम दे रहे थे, आइसो गैमस और एन आइसो गैमस। और ये जो एन आइसो गैमस है इसके भी हमारे पास दो एग्जांपल है, एक फिजियोलॉजिकली हिट्रोजीनस है और दूसरा फिजिकली हिट्रोजीनस है। अगर ये दोनों चीजें सेम मिल जाती हैं, मतलब एक ही प्लूरीलोक्युलर के दो माइटोजूस्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उनके फ्यूज होने से जो एक तरीके से जायगॉट बनेगा दैट इज फिजिकली फिजियोलॉजिकली सेम, मतलब आइसोगैमस। और यहां अगर अपन बात करें तो दैट इज एन आइसोगैमस। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन यहां पे हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेम डायग्राम हमने एक तरीके से सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में एक साथ क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। बस, तो रिप्रोडक्शन में इतना ही। अब हम बात करते हैं जायगॉट की संरचना की। तो जायगॉट अपने चारों तरफ भित्ति का संश्लेषण कर लेगा विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अनुकूल परिस्थितियां हो झेलने के लिए, परिस्थिति अनुकूल होने पर वही जैसे अंकुरण हो रहा था वैसे उनके अंदर क्या बोलते हैं, जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब से प्रोस्टेट थैलस, प्रोस्टेट से इरेक्ट और राइजोइड्स, और एक नया संतति थैलस जो है वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। लेकिन अब एक चक्कर और पड़ रहा, हाँ बिल्कुल सेम कारण, क्योंकि इसका मेन पेरेंट जो है वो कैसे हैं, 2N, और यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन से जो जायगोट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 2N। तो साधारणतः इस प्रकार से इसमें जीवन चक्र कंप्लीट हो रहा है। बस अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र। मिटा देते हैं इसे।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, एक्टोकार्पस में। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण की बात करें तो वही सिंपल डायग्राम जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, दैट इज मेन थैलस जो है एक्टोकार्पस का वो कैसा है, स्पोरोफाइट। दैट रिप्रेजेंट बाई टू एन, कैसा है, स्पोरोफिटिक। अनुकूल परिस्थितियों में, वेजिटेटिव तो इनके अंदर हो ही नहीं रहा है, अनुकूल परिस्थितियों में ये थैलस जो है वो क्या बनाता है, अपनी लेटरल ब्रांचेज के ऊपर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल, और वो यहां पे डेवलप होती है किस रूप में, प्लूरीलोक्यूलर। प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम, प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजियम जो है वो यहां पे आफ्टर क्या बनाएगी, माइटोसिस। माइटो जू स्पोर, और ये माइटो जू स्पोर जो हैं वो कैसे हैं, 2N। ये भी कैसी है, 2N, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से हम बात करें तो। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। दूसरा, यही थैलस जो है वो उन्हीं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये डेवलप करता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, दीज आर एन। ठीक है, और इन स्पोरेंजियम के अंदर यहां पे होता है मियोसिस, डिवीजन। ठीक है, और इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें बनते हैं हजारों की संख्या में मियो जू स्पोर्स। और ये मियो जू स्पोर जो हैं, उल्टा हो गया, दैट इज 2N, और ये मियो जू स्पोर जो है ये रिप्रेजेंट होते हैं बाई N। अब नॉर्मली अब तक जो हम पढ़ते आए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें मियोसिस डिवीजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, वो भी गैमेटेंजिया के अंदर। लेकिन यहां पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसमें विदाउट गैमेटेंजिया अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिल रहा है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिला, इसलिए हमने इन जू स्पोर्स का नाम दे दिया मियो जू स्पोर्स। और ये मियो जू स्पोर्स फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन करने के बजाय ये यहां पर क्या हो रहे हैं, जर्मिनेट। After germination या germinate या germination, germination, और इनके germination से यहां पे क्या बन रहा है, progeny ectocarpus गैमिटोफाइट थैलस, जो कि एक्चुअली में है एन।
तो अब तक हमने नहीं देखा था, पहली बार हमको देखने को मिला कि जीवन काल में दो थैलस दिख रहे हैं, एक है 2N और एक थैलस आ रहा है N, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर हम इस थैलस की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी मॉर्फोलॉजी इसके पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू होती है, सेम, केवल इसका जेनेटिक नंबर चेंज होता है, बाकी इसकी सारी संरचनाएं फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों होते हैं सेम। यही कारण है कि हमने इसे रखा है, मिटा दिया, दीज आर एक्टोकार्पस आइसो जनरेटी, क्योंकि इसके अंदर दोनों की संरचना सेम होने के कारण हम एक नाम देते हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक। आइसो का मतलब सम और मॉर्फिक का मतलब हो गया आकार, अर्थात सम आकार, जिसकी संतति और जिसके पेरेंट्स का आकार और फिजियोलॉजी दोनों बिल्कुल समान होती है। हम उनके थैलस को देखकर ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट, क्लियर है। वहीं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं लेमिनेरिया का, उसमें क्या हो रहा है कि वही 2N सेम N, लेकिन जो N गैमेटोफाइट थैलस है वो उसका इतना चेंज होता है, आकार में छोटा होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी छोटा, फिजियोलॉजिकली भी चेंज, किसके पेरेंट्स के तुलना में। तो स्पष्टतः दोनों की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी समझ में आती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एन आइसोमॉर्फिक या हिटेरोमॉर्फिक, और उस लिए हमने उसकी क्लास भी कौन सी डाल दी थी, हिटेरोजनरेटी, हिटेरोजनरेटी, उसमें एग्जांपल था लेमिनेरिया, ठीक है, प्रोजेनी। अब आगे बढ़ते हैं, इन अनफेवरेबल कंडीशंस यही जो प्रोजेनी स्पोरोफाइट है, वो सॉरी गैमेटोफाइट है, वो अलग अलग स्ट्रेन्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेन्स आ गए, प्लस भी और माइनस भी, यहाँ पे प्लस भी एंड माइनस भी स्ट्रेन्स हमारे पास उपस्थित है, तो ऐसे में यहाँ पे ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, दो स्ट्रेन्स हमारे पास मिल रहे हैं, तो ये हो गया फीमेल, प्लूरी आ नहीं रहा, लोक्यूलर गैमेटेंजिया, फीमेल प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया, फीमेल भी हमने जबरदस्ती नाम दे दिया, नहीं तो हम इसको माइनस स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया दूसरा, दीज आर मेल प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया, ये भी N है और ये भी कैसे है N, ठीक है, और ये हो गया एक तरीके से प्लस स्ट्रेन, क्योंकि हम इसको दिखा रहे हैं मेल के रूप में, तो इसमें बन गए एक तरीके से फीमेल गैमेट्स, जो कि क्या कहलाते हैं, माइटो जू स्पोर, क्योंकि ये माइटोसिस से हुए हैं, मियोसिस में पहले ही हो रखा है, ठीक है। तो दीज आर माइटो, मतलब फीमेल गैमेट, इनसे भी क्या डेवलप हो रहे हैं, माइटो जू स्पोर, जो कि क्या है, मेल गैमेट, दोनों के दोनों अलग अलग गैमेट्स, जो कि अगर फिजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम है तो आगे का जो जनन है वो कैसा हो जाएगा, आइसोगैमस, और अगर इन दोनों में फिजिकली या फिजियोलॉजिकली असमानता है तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, एन आइसोगैमस फ्यूजन। तो दोनों को अगर अपन अब फ्यूज करें
तो यहां पे मैं दोनों ही लिख देता हूं, आइसोगैमस फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन एंड एन आइसोगैमस फ्यूजन, दोनों ही लिख दिए क्योंकि कोई संतति या स्पीसीज जो है वो समान है और कोई नहीं है। जैसे यहां पे अपन ने सेकेंड्स की बात करी तो ये एन आइसोगैमस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर फ्यूजन यहां पे क्या बन रहा है, जाइगोट, जो कि वापस क्या हो गया, 2N। और इन फेवरेबल कंडीशन ये क्या करेगा, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन और वापस एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक थैलस जो है वो यहां पे कोड करेगा या बना लेगा, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट एक तरीके से लाइफ साइकिल इन एक्टोकार्पस। ठीक है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, इस साइकिल को भी यहीं मोड़ सकते हैं। कैसे, ठीक है, ये सिंपल संरचना चल रही थी। तो वहीं इसी में क्या हो रहा है, प्लूरी प्लूरिलोक्युलर स्पेरेंजिया, दीज आर ऑल्सो 2N, फेवरेबल कंडीशन में ये बना रही थी मियो स्पोर, मियो जू स्पोर, और ये मियोजूस्पोर जो है वो वापस जर्मिनेट होकर क्या बना रहे थे, ये हो गया जर्मिनेशन। दोनों के लिए और आफ्टर जर्मिनेशन ये 2N थैलस बनाते जा रहा है, और वहीं जब यहां पे मियोसिस हो गया तो इसने बना दिया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो अलग अलग स्ट्रेन्स का है, तो एक स्ट्रेन जो है प्लस एक माइनस, प्लस को हम मेल और माइनस को फीमेल के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्लूरिलोक्युलर जो बनी उनके अंदर जो घन कोशिकाएं हैं या स्पोर मदर सेल्स हैं उनके द्वारा हैप्लॉइड माइटोजू स्पोर्स ही बनेंगे, और वो माइटोजू स्पोर्स जिनको हम एक तरीके से गैमिट्स भी कह सकते हैं, बार बार मियोजू स्पोर्स या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे गैमिट्स ही कह देते हैं इनको। दीज आर रिप्रेजेंट एज फीमेल गैमिट्स और ये हो गए मेल गैमिट्स या मेल जू स्पोर्स। दोनों के बीच में संयुग्मन, अगर दोनों फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली समान है तो ये संरचना हो गई कौन सी, आइसोगैमस, और अगर नहीं हुई तो ये संरचना हो गई कौन सी, एन आइसोगैमस। दोनों के फ्यूजन से बन गया जायगोट। जायगोट की अगर अपन बात करें तो दोनों में जायगोट के रेस्टिंग फेज में चले जाएगा, मोटी भित्ति युक्त हो जाएगा, तो वहां हम एक नाम और दे सकते हैं मोटी भित्ति होकर, दैट इज ऑल्सो जायगोट,
और जायगोट यहाँ पे जैसे हमने उइसपोर नाम दिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज जुइसपोर्स, ठीक है। और ये जायगोट जो है अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन नहीं करेगा, अर्धसूत्री करेगा नहीं, और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, एक्टोकार्पस का थैलस। अब इस पूरी संरचना में अगर हम देखें तो 2N यहां तक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो है स्पोरो फाइट फेज, और ये है गैमेटोफाइट। और जोरदार चीज ये है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये हो गए रिप्रेजेंट बाय 2N और ये रिप्रेजेंट बाय हो गई N, एक चीज। दूसरा अगर अपन यहां कहें तो दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जबकि यहां अगर अपन बात करें तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आपको याद आ रहा है जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लो या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट थैलस या प्लांट थैलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटोफाइट थैलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमको यहाँ पे स्पष्ट दो भाग दिख गए। अब पेरेंट्स कैसे हैं, 2N, इसलिए हम लाइफ साइकिल का नाम कैसा दे देंगे, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक में अब हमारा नाम कौन सा आ गया, डिप्लो, क्योंकि 2N, और डिप्लो के बाद कौन सा है, हैप्लो। डिप्लो हैप्लो हैप्लो और लाइफ साइकिल दैट इज हैप्लोन्टिक। डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हिंदी में बोले तो द्विगुणित एगुणित, द्विगुणित एगुणित की जीवन चक्र जो है वो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पे भी लिख देते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लो हैप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और यहां अगर आप देख पा रहे हो तो दो फेज, स्पोरोफाइट फेज और गैमेटोफाइट फेज, दोनों की दोनों फेजेज हमको क्लियर दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप इसे एक नाम और दे सकते हैं ऑल्सो, एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल है दैट इज ऑल्सो डाइफेजिक, द्वि अवस्थीय, दो अवस्था इसमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। बस ये है कंप्लीट एक्टोकार्पस का जीवन चक्र। बस इसको जरूर ध्यान रख लेना आइसोमॉर्फिक, क्योंकि इसका पेरेंट और इसकी संतति की फिजियोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी जो है दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। जबकि अगर किसी में अगर चेंज आएगा तो वो किस में चले जाएगा, एन आइसोजेनरेटी या हिटेरोजेनरेटी में। तो आज की क्लास में इतना ही, इसे रब कर देते हैं, एक बार देख लीजिए।